सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। और बिहार में काबा के बाद अब खुल कर सामने आ गया है कि बिहार में अनहार बा, यानी बिहार में कुछ हो ना हो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बिहार में मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने ऐसी आग लगाई है कि कहीं शादी ब्याह में नीतीश की पुलिस शराब तलाश में घुस जाती है तो कहीं पुलिस महकमे के अफसर ही कूड़े में शराब खोजने निकल पड़ते हैं। हालत यह है कि बिहार की पुलिस पर ही शराब बेचने का आरोप लगता रहता है, लेकिन अब बिहार की सरकार ने यह बात साबित कर दी है कि बिहार में शराब पर भरे ही रोक लगी हो लेकिन नशे में पूरी तरह ही डूबी है। और सिर्फ सरकार नहीं बल्कि नशे में है खुद सूबे का निजाम, जिसमें गोते खा रहे हैं बिहार के लोग। बिहारियों को शराब के नशे से दूर रखने के फैसले के बाद अब बिहारियां अपनी आंख ही फुड़वानी पड़ रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने ऐसा रामराज्य लाया हुआ है जिसमें गरीब अगर भूल कर भी अस्पताल पहुंच गया तो उनकी आंख ही निकाल ली जाएगी। ना तो बिहार में तालिबान की सरकार है और ना ही आंख निकालने का कानून, लेकिन बिहार में इस वक्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना बिहारियों के लिए बहुत बड़ा पाप बन गया। बिहार में आंखों के अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, फिर आंखों की रोशनी ही चली जाती है। जब मामला बिगड़ता है तो एक दर्जन लोगों की आंख ही निकाल ली जाती है। इस घटना को सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठती है, लेकिन यह 100% सच है। बिहार के अस्पतालों को तबेले में तब्दील होने की जानकारी हम आपको बहुत पहले ही दे चुके हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार को ही अपनी सरकार और अपने अस्पतालों पर भरोसा नहीं रह गया है। अभी चंद महीने पहले की बात है जब नीतीश कुमार ने अपनी आंख का इलाज बिहार में नहीं करवाया बल्कि दिल्ली में करवाया, यानी जब सूबे के मुखिया को ही खुद पर भरोसा नहीं तो फिर आम जनता तो सिर्फ राम भरोसे ही रह गई है। आखिर कैसे नीतीश कुमार के राज में लोगों की आंख ही निकाल ली जा रही है, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। बिहार के नीतीश सरकार चाहे अपनी कामयाबी को जितने भी तारीफ कर ले, लेकिन तमाम तारीफें झूठी साबित हो रही हैं। अब नीतीश कुमार के राज में इलाज के नाम पर लोगों को आंखें निकाल ली जा रही है। मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा के आई हॉस्पिटल में बीते 22 नवंबर को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसके बाद हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि 12 लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ी। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य महकमे की इस बड़ी लापरवाही के बाद सवाल उठना तो लाजमी है। इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर हो चुका है। बताया जा रहा है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद ही लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। लगभग 2 दर्जन लोगों की आंखों में इंफेक्शन हो गया और यह इंफेक्शन इतना बढ़ गया कि उनकी आंखें निकालनी पड़ी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी लिखते हैं कि देश की सबसे बदहाल और फिसड्डी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक नजारा देखिए। मुजफ्फरपुर में 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया गया, एक ही टेबल पर सबका ऑपरेशन, रोशनी तो दूर की बात, सभी की आंखें निकालनी पड़ी। मुख्यमंत्री जी और भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री को जनता से कोई लेना देना नहीं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य महकमे में आनन फानन में 3 सदस्यीय टीम बनाई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता मंगल पांडे ने कहा कि मुजफ्फरपुर आई कैंप मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जिन लोगों की आंखें निकालनी पड़ी उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई? क्या बिहार में भाजपा के नेता अपनी आंख निकालकर उन लोगों को देंगे जिनकी आंख उन्हीं के स्वास्थ्य महकमे ने निकाल ली? क्योंकि इंसाफ का तकाजा तो यही कहता है कि उनके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, चाहे भले ही उन्हें दूसरी आंख लगानी पड़े। इस कांड के पीछे फर्जीवाड़े का शक जताया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है और उसी की वजह से लोगों की आंखों में इंफेक्शन फैल गया, जिसके बाद आंखों की रोशनी भी चली गई और आंख भी निकालनी पड़ी। यह जानकारी भी मिली है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर एनडी साहू को कॉन्ट्रैक्ट पर लाया
लाया गया था, जिन्होंने आई हॉस्पिटल में एक भी ऑपरेशन नहीं किया था, लेकिन आई हॉस्पिटल में घटना के दिन से 27 नवंबर तक वो ऑपरेशन करते रहे। इसलिए इस मामले में फर्जीवाड़े की बू आ रही है। इसके साथ ही जांच टीम ने ऑपरेशन के प्रोटोकॉल पर भी कई सवाल उठाए हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक एक दिन में एक डॉक्टर को केवल 12 ऑपरेशन करना है। जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि किस परिस्थिति में एक डॉक्टर ने 65 लोगों का ऑपरेशन किया, साथ ही ओटी और दूसरे संसाधन पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसकी जांच टीम के पास प्रबंधन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि डबल इंजन सरकार के ट्रबलधारी रहनुमाओं, बिहार में कम से कम किसानों की तो दुर्दशा को जानिए, पहचानिए और समझिए। वैसे उनकी समस्याओं को दूर करने में ना आपने सामर्थ्य है, ना समझ और ना इच्छा शक्ति। अगर आप किसान को बीज और खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो किस बात की सरकार और डबल इंजन। इस मामले में एनडीटीवी ने बताया कि जब टीम ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ से शुरुआत में ऑपरेशन की बात से इनकार किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने उसे कबूल कर लिया। मरीजों के नाम पते का भी सत्यापन किया गया। मौके पर पहुंचे आधा दर्जन से ज्यादा मरीजों को देखा गया। इसके बाद उन्हें SKMCH भेज दिया गया। आधा दर्जन मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। डीएम ने आई हॉस्पिटल में अगले आदेश तक ऑपरेशन करने पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर जिन डॉक्टरों को ऑपरेशन का कोई तजुर्बा नहीं, उन लोगों को ऑपरेशन की जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्या अब सरकार अपने खर्चे पर उन लोगों को मुआवजा और दूसरी आंख लगवाएगी? ये बात बिहार के लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से जरूर पूछनी चाहिए। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में काबा, तो जवाब दीजिएगा कि चारों ओर अनहार बा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।